अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और वो टीम इंडिया जिसके बारे में दावे किए जाते थे कि चौका चौका और मौका और मौका और मौका, और सिक्योरिटी वालों ने जिनको हमने बोले उनकी सिक्योरिटी डाइट की थी, उन लोगों ने इनकी सिक्योरिटी के मसले लगा दिए, इनके सिक्योरिटी के एल लग गए। आपको पता होना चाहिए होगा क्या अभी जब ये पहुँचेंगे इंडिया, क्योंकि उनको पता है कि 2 से 3 मैचों के बाद तो इनकी फ्लाइट इंडिया की तरफ जाएगी। जब इंडिया जाएगी तो ये सारे के सारे इंडिया जाएंगे नहीं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब के सब उनकी ऐसी तैसी करने वाले हैं। होगा क्या, क्या होने वाला है? आपको पता है कि उन आरएसएस के गुंडे और शिवसेना के गुंडे इनके घरों के ऊपर पथराव करेंगे, इनके घरों को जलाएंगे। अब इनको पता था कि इनको पाकिस्तान से हारने की खुन्नस अभी तक जो है वो कम नहीं हुई है। उन लोगों ने ऐसी तैसी की हुई है, मुसलमानों के ऊपर ज़िंदगी अजाब की हुई है, मुसलमानों को मार रहे हैं हर तरह से, उनके जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, उनके इमलाक को जला रहे हैं, उनके कारोबार को तबाह कर रहे हैं शिवसेना और आरएसएस के गुंडे। और अब इनके साथ क्या करने वाले हैं? इनकी तो ऐसी की तैसी हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी इंसान को गरूर में मुबतला नहीं होना चाहिए, और इंसान जब गरूर में मुबतला होता है तो उसका गरूर अल्लाह ताला मिनटों में खाक में रह जाता है। तो पाकिस्तान की टीम बहुत हम्बली खेल रही है, माशाल्लाह कोई गरूर नहीं नजर आ रहा उसमें लड़कों के अंदर। जिस तरीके से आपने फर्स्ट मैच जब इंडिया से हम जीते तो उसके बाद बाबर ने जिस तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग की थी, जब आपने देखा था कि वो रूम के अंदर बैठे हुए थे सारे के सारे, और वो बाबर लीड करते हुए एक छोटी सी स्पीच कर रहा था कि मनाओ खुशी मनाओ, लेकिन एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि एक्साइटेड नहीं होना, हम लोग यहाँ पर जीतना है वर्ल्ड कप, यहाँ पे सिर्फ इंडिया को रहना नहीं आए थे। तो इंडिया वालों की तो ऐसी की तैसी हो गई, अब इंडिया तो बाहर हो गया भाई, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। लेकिन टीम इंडिया बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, तो अगले 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 वर्ल्ड कप में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और दुआ ये करना कि पाकिस्तान की टीम के साथ आपका जो मैच हो तो उसमें आप कुछ प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि तुम लोगों ने सारी आईपीएल खेल खेल के वो भी दुबई में खेला, शारजा में खेला, आईपीएल खेल के तुमने आईपीएल की ही प्रैक्टिस की। तुम ये समझ रहे थे कि आईपीएल खेलने की वजह से तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत हो गया, स्कोप बहुत हो गया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट जब इंटरनेशनल खेलते हैं, टीमें फॉर्मली खेलती हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो आईपीएल में तो छक्के लगते हैं क्योंकि तुमने पैसा लगाया हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे पैसा नहीं चल रहा, यहाँ पे टीमों की एफर्ट्स चल रही है, यहाँ पे लड़कों की एफर्ट्स चल रही है, यहाँ पे लड़के प्रैक्टिस करके आए, और पाकिस्तान से तो तुम्हें पता है कि खुन्नस में तुम बेचारे हार गए, तुम्हें जो है वो बीच में आ गए खुद ब खुद। जिस तरह मैंने कहा कि हम तो हराने के लिए हमारा गुस्सा सारा हमारा न्यूजीलैंड के ऊपर था, और तुम बेचारे तुम्हारे लग गए आराम के साथ, ठीक है ना। तो इंडिया वालों आप बजाओ पटाखे, मौका मौका और ठोका ठोका जो करना है करो, घर जाके करना, लेकिन ये है कि बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ज़बरदस्त खेला आज, न्यूजीलैंड ने बता दिया कि एक वर्ल्ड लेवल की टीम है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान से हारने का अफसोस तो उसको होगा, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट करनी थी हमने। तो अब इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो उनके घर जाकर टाइट होगी, तमाम के तमाम उनके सिक्योरिटी इदारे और शिवसेना के गुंडे और ISS के RSS के गुंडे जो है वो उनको सिक्योरिटी देंगे यकीनन। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, लेकिन सिक्योरिटी तो इनकी टाइट हो गई और अब इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी ब्रेक, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर फॉर योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, एस्ता ला विस्ता, चाओ।